वही दूंगा, वही दूंगा और वही दूंगा। मांगो। कहते हैं ना कि भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है, जिससे भी कृष्ण प्रेम करे ना उससे तो बड़ा अच्छे से निभाते हैं, और जिससे जिसने जरा सी भी त्रुटि कर दी, जरा सी भी गलती कर दी तो उससे नफरत भी बड़े अच्छे से करते हैं। प्रेम वो होता है, क्योंकि महाराज जिस पर एक बार कन्हैया का रंग चढ़ जाए ना उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। जो ये मीरा थी ना, मीरा बचपन से ही बहुत बड़ी भक्तिन थी। इसके गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ हुआ तो जब पंडित जी कथा कह रहे थे, उन्होंने आरती से पहले हाथ उठाया और जवाब दिया, यहां इतने लोग बैठे हो किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? तो कोई नहीं बोला, बोले महाराज किसी को कुछ नहीं पूछना, आप आरती करो। पंडित जी ने आरती की। आरती करके पंडित जी जब नीचे उतरे तो किसी ने पीछे से कुर्ता खींचा। पंडित जी बोले कौन है? वो 5 वर्ष की बच्ची जवाब देने लगी, महाराज प्रणाम करती हूं। बोले खुश रहो। अब 5 वर्ष का बच्चा, उसे क्या चाहिए? बोले टॉफी चाहिए? नहीं। चॉकलेट चाहिए? नहीं। प्रसाद चाहिए? मीरा बोली नहीं। पंडित जी बोले अरे मेरी माँ, फिर क्या चाहिए? बोले महाराज आप जिसकी कथा कह रहे थे ना, आप जिसका अभी बखान कर रहे थे, वो दिखने में कैसा है और मिलता कहाँ है? आपने तो अभी कहा कि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, तो इसलिए मेरा मन किया तो मैंने पूछ लिया कि जिसका आप अभी बखान कर रहे थे वो दिखने में कैसा है और मिलता कहाँ है? पंडित जी बोले लाडो दिखने में भी अच्छा है और मिलता भी आसानी से नहीं है, क्योंकि एक फूल एक ही वृक्ष के डाली के दो फूल, एक भगवान के चरणों में पड़ा होता और एक भगवान के गले में पड़ा होता, तो वो चरणों वाला फूल जो है वो गले वाले फूल से प्रश्न करता है कि बीरन हमें एक बात बताओ, तुमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो तुम गले में और मैं चरणों में हो? हम दोनों तो एक ही डाली के हैं। तो वो गले वाला फूल जवाब देता है कि भैया जब तक तू चरणों में है तब तक सही सलामत है, जब तक तू चरणों में है तब तक सही सलामत है, और जब तू गर्दन तक आएगा तब तक एक सुई चुभ ही जाएगी और धागा डाल दिया जाएगा माला बना करके, तब तुझे गर्दन तक लोग पहुंचाएंगे, और जब फूल में सुई चुभोगी तो दर्द तो होगा ही होगा, इसलिए जब तक तू चरणों में है तब तक ठीक है, भगवान के गले तक अगर जाना है तो थोड़ा तो दर्द सहना पड़ेगा, इसलिए भगवान आसानी से नहीं मिलते, दर्द तो बहुत जरूरी है। कहते हैं ना तू मेरे लिए एक आंसू बहा करके देख, तेरी जो जिंदगी है ना वो खुशियों से ना भर दूं तो कहना। कृष्ण की भक्ति बड़ी अजीब है, क्योंकि एक बार जब यज्ञ हुआ था दुर्योधन के यहां पर, तो भगवान ने 56 प्रकार के भोजनों को नहीं खाया। विदुर जी के घर पहुंचे, विदुरानी अकेली थी, नगिन अवस्था में स्नान कर रही थी, तो महाराज भगवान ने कुंडी खटखटाई, अरे काकी दरवाजे खोलो। दरवाजे खोले,
लेकिन मैया इतनी प्रेम में आसक्त हुई है कि नग्न अवस्था में ही भाग पड़ी। भगवान ने पीतांबर उठाओ और ऊपर फेंको तो पूरे शरीर में पीतांबर लिपट गयो। भगवान बोले काकी भूख लगी है, तो केले रखे हुए थे, श्रोताओं उन केलों को उठाया काकी ने और छिलके भगवान को खिलाने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े प्यार से कन्हैया उन छिलकों को खाने लगे। प्रेम होता है ना, प्रेम में कुछ दिखाई नहीं देता। बड़े प्रेम से कन्हैया बुजुर्गों उन छिलकों को जब खाने लगे, काफी देर हो गई छिलका खा रहे हैं, तब तक निगाह पहुंची है, बुजुर्ग जी आ गए। बोले अरे पगली क्या कर रही है, छिलका खिला रही है और गिरी फेंक रही है, हट अलग मैं खिलाऊंगा। विदुर जी छिलका फेंकने लगे और गिरी खिलाने लगे। कन्हैया जब गिरी खाने लगे तो थोड़ी देर के बाद सवाल पूछा है विदुर जी ने कि हे कृष्ण, जो स्वाद तुम्हारी काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में है या नहीं है? भगवान बोले काका एक बात बोले। बोले हाँ, बुरा मत मानना। बोले बिल्कुल नहीं, जो स्वाद काकी के छिलकों में था उस गिरी में नहीं है, क्योंकि आप जानते थे ये छिलका है और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में पड़ी है। और भैया प्रेम करना है ना तो भगवान से करो, वरना लोग होते ना बड़े अजीब होते हैं, काऊ के चक्कर में हाथ काट लो, कोई गोली मार लो, कोई फांसी लगाए रहो, कोई जहर खाए रहो, ऐसे प्रेम से कुछ फायदा? लिखा है लव इज स्वीट पॉइजन, लव इज स्वीट पॉइजन, प्यार जो होता है वो मीठा जहर होता है। अगर प्रेम करना है तो उससे करो, वरना दुनिया के नाम पे तो मर जाओ ना, तो चले जाओ कोई नाम लेवे वालो, दो चार दिन आके उनके चक्कर में मरी गई, कछु फायदा ना है। लिखा है कि ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची, लेते ताली। ऐसे बजाओगे ना मच्छरों मक्खी ना मरे, भगवान की तो छोड़ो पड़ोसी घरे ना आए। प्रेम के बस पार धरता को